होटल सफायर के समक्ष हुए सुनील मंडल हत्याकांड हेतु इंसाफ की मांग में कैंडल मार्च। मृतक सुनील मंडल एवं घायलों हेतु मुआवजे की मांग। होटल सफायर दारूबाजी कांड में आबकारी विभाग द्वारा नामजद लोगों से पूछताछ। 7 दिसंबर को होटल सफायर में आयोजित बैचलर पार्टी भी आरोपों के घेरे में। तिनसुकिया चिवरापट्टी स्थित होटल सफायर के समक्ष 9 दिसंबर की रात को कैटरिंग दल के मुखिया सुनील मंडल के हत्या एवं 3 अन्य लोगों के घायल होने के विरोध में आज तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट इवेंट एंड डेकोरेटर यूनियन द्वारा होटल सफायर के समक्ष से तिनसुकिया थाना चाराली तक कैंडल मार्च निकाला गया। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट इवेंट एंड डेकोरेटर यूनियन की मांग है कि मृतक सुनील मंडल के परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए एवं घायलों को चिकित्सा खर्च के साथ ही मुआवजा भी दिया जाए। कैंडल मार्च में तिनसुकिया जिला के अलावे डिब्रूगढ़ एवं शिवसागर के कैटरिंग दल के लोग भी शामिल थे। शिवसागर से कैंडल मार्च में शामिल होने आई मृतक सुनील मंडल के कैटरिंग दल की सदस्य मायना खातून ने कहा कि सुनील मंडल के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, विधवा पत्नी है, घर में कमाने वाला केवल सुनील था। जरूरी है कि सुनील के परिवार को तत्काल मुआवजा दिया जाए, कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और होटल सफायर को बंद किया जाए। आपने एफआईआर रोल्स को इसे आज प्रोटेस्ट रैली चाहिए से आपने हिमागर पर की कोबो है यार ए मुहूर्त की को কি কইবা মানে আমাক সুনীল মণ্ডলৰ কাৰণে ন্যায় লাগে আৰু হে হোটেলখন যাতে সিজ কৰি যোনজনে মাৰ্ডাৰ কৰিছে তেওঁক যাতে অতি সোনকালে আমাৰ ওচৰত বিচাৰি উলিয়াই দিয়ক আৰু তেওঁক যাতে কাৰিকা কাৰি ফাঁচি পাৰিলে ফাঁচি অৰ্ডাৰ দিয়ক আৰু যোনজন সুনীল মণ্ডলৰ মাইকী ল'ৰা ছোৱালী মানে ল'ৰা ছোৱালী সৰু সৰু আছে তেওঁৰ কাৰণে 50 লাখ টকা কৈ দিয়ক আৰু যোনজনকে ঘাই আছে এতিয়ালৈকে কোনো এজনে সহায় কৰা নাই তেওঁক যাতে 10 লাখ টকা কৈ দিয়ক আৰু সেই হোটেলখন যাতে সিজ কৰি দিয়ক আমাক কাৰণ বহুত অভদ্ৰামী মাত মাতিছে আমি তাত কাম ভালকৈ কৰিব পৰা নাই আৰু আমাক মালিকা আমাক কৈছে যে তহঁতি বোলো বেছি যেতিয়া আমি যেতিয়া কৈছোঁ আমাক সহায় কৰক তেতিয়া মালিকা কৈছে যে তহঁতক আমি বোলো বেছি চিঞৰ বাখৰ কৰিলে ইয়াতে ওলোটা কৰি পুতি থৈ দিম তহঁতি চিঞৰ বাখৰ নকৰিবি যেতিয়া আমি যেতিয়া বোলো বেছিকৈ হুলস্থুল কৰিছোঁ আৰু শুনি আমাক সুনীল মণ্ডলৰ কাৰণে ন্যায় লাগে আৰু সেই হোটেলখন যাতে চিজ কৰি দিয়ক। इसके अलावे यूनियन के पदाधिकारियों ने भी यह मांग की है। हत्याकांड के बारे में और सुनील मंडल के परिवार को जो मुआवजा थी उस बारे में। देखिए मुआवजा इसलिए जरूरी है कि उनके परिवार में अकेला ये लड़का था जो कमाता था और इसके अभी 2 बच्चे हैं छोटे छोटे और इसी कारण से हम लोग की मांग है कि कम से कम 50 लाख रुपये का मुआवजा उसे मिले कि उसका घर आगे चले। उसके परिवार में अकेला कमाने वाला वही था। और जो घायल हैं उनको भी मुआवजा मिले। जी जो घायल हैं उनको भी कम से कम 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिले कि उनका गुजर बसर हो पाए और उनका इलाज हो पाए। इधर आज आबकारी विभाग द्वारा राजकुमार जैन से पूछताछ की गई। उल्लेखनीय है कि 9 दिसंबर की रात जय कुमार जैन के बेटे हिमांशु जैन की शादी होटल सफायर में हुई थी। उस शादी में कैटरिंग का काम करने हेतु डिब्रूगढ़ के सुनील मंडल के कैटरिंग पार्टी को राजकुमार जैन ने ही काम दिलवाया था। राजकुमार जैन के अनुसार शादी में वो खाना खा के सो गए थे। उस रात होटल में क्या हुआ इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आबकारी विभाग के अधिवक्ता नरेश प्रसाद के अनुसार जल्द ही अन्य नामजद लोगों से पूछताछ होगी। विभाग होटल के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का मुआयना कर रहा है जिसके आधार पर अन्य कई लोगों से भी पूछताछ की संभावना है। सूत्रों के अनुसार सफायर होटल में 7 दिसंबर को भी एक बैचलर पार्टी का आयोजन किया गया था जिसमें भी जमकर दारूबाजी हुई थी। माना जा रहा है कि उस बैचलर पार्टी को भी जांच में शामिल किया जा सकता है क्योंकि उस पार्टी में अरुणाचल कोटे की दारू होटल द्वारा उपलब्ध कराने के आरोप सामने आए हैं। उल्लेखनीय है कि तिनसुकिया एक्साइज विभाग द्वारा होटल सफायर में शराब की अवैध बिक्री, अवैध ढंग से आयोजित कॉकटेल पार्टी, होटल सफायर से बरामद शराब की बोतलों को लेकर असम एक्साइज एक्ट 2018 की धारा 53(1)(a), (54), (60), (61)(b), (63), (64) के तहत जय कुमार जैन, हिमांशु जैन, सुशील कुमार जैन, किशोर शर्मा, शशि चौधरी एवं कविता चौधरी पर केस नंबर 45/20 दर्ज किया है। मालूम हो कि 9 दिसंबर की रात को जय कुमार जैन के बेटे हिमांशु जैन की शादी होटल सफायर में हो रही थी। होटल में पार्टी का अरेंज सुशील कुमार जैन एवं होटल मैनेजर किशोर शर्मा द्वारा किया गया था। शशि चौधरी एवं कविता चौधरी होटल के मालिक हैं। डेस्क रिपोर्ट, पिक न्यूज, तिनसुकिया।